नमस्ते। प्रथम पुरातन छात्र सभा में पधारे सभी आगंतुकों का हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान परिवार की ओर से स्वागत करते हैं। 18 वर्षों में प्रथम पुरातन छात्र सभा समागम में आज हम न सिर्फ अपने अनुभवों को साझा करेंगे बल्कि यहाँ उपस्थित सभी पुरातन छात्रों के साथ अपनी यादों को भी ताज़ा करेंगे और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे हमारे कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित जी का, जिनके मार्गदर्शन में हम सब एक सभागार डॉक्टर राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के मंदिर में एकत्रित हो सके। प्रखर चिंतक डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने हमेशा शिक्षा के साथ साथ हमें देश को आगे बढ़ाने के विचारों से अवगत कराया। वर्तमान में डॉक्टर राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अवध यूनिवर्सिटी में विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन हो रहा है, जिसमें से एक है अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान। 4 मार्च 1975 से अवध विश्वविद्यालय देश विदेश में शिक्षा की अलग जगह हुए है, लेकिन वही विश्वविद्यालय की नींव रखने वाले पुरातन छात्रों को भी भुलाया नहीं जा सकता। आज़ादी के बाद देश न सिर्फ सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक रूप से विकसित हो रहा था बल्कि अनुभवी वैज्ञानिकों के निर्देशन में जमीन से आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए नई मशीनों को ईजाद किया जा रहा था। सन 2000 में इसी परिकल्पना के तहत अवध विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर गिरीश चंद सक्सेना जी ने इस विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्था की आवश्यकता को न सिर्फ महसूस किया बल्कि इस संस्था की नींव को रखने के लिए प्रयास भी शुरू कर दिए गए। विश्वविद्यालय कैंपस के मैथ डिपार्टमेंट में अभियांत्रिकी एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों को संचालित करना शुरू हो गया और शुरुआती शैक्षणिक सत्र में 2 ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग व MCA डिपार्टमेंट की पाठ्यक्रमों की शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ हो। पूरे मंडल में तकनीकी शिक्षा के लिए कोई विद्यालय नहीं था और बच्चों को पढ़ने के लिए दिल्ली नोएडा जाके शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। शुरुआती दिनों में प्रायोगिक विषयों के लिए छात्र छात्राओं को KNI सुल्तानपुर, साकेत महाविद्यालय अयोध्या एवं पॉलिटेक्निक क्लास में वर्कशॉप भी करवाई गई। पहले जो यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं थी, लैब वर्क के लिए सभी स्टूडेंट को KNIT जाना पड़ता था, जिसमें वहाँ पे हम लोग प्रायोगिक परीक्षा या वर्कशॉप वहाँ पे करते थे। सन 2002 में अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान के लिए भवन निर्माण न सिर्फ प्रारंभ हो गया बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी शुरू हो गई। ऐसी स्थिति में कुछ महीने क्लासेस जो हैं वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में चली और मैंने भी अपनी पहली क्लास 29 नवंबर 2000 को फिजिक्स डिपार्टमेंट के लेक्चर थिएटर में ली थी। हाँ, मुझे वो टाइम याद है जब हम लोग नया नया इंस्टीट्यूट, जब 2001 में इंस्टीट्यूट डेवलपिंग फेज में था और AICT की टीम इंस्पेक्शन के लिए आने वाली थी, तो हम लोगों ने काफ़ी रात तक मतलब मेहनत करके लैब वगैरह इस्टेब्लिश की थी। तो उसी टाइप का कुछ एनवायरनमेंट अभी दिखता है कि MBA वगैरह के लिए भी सभी लोग, अब तो हमारी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हम लोग मतलब एकजुट होके सभी लोग दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं और उसका आपको मीन्स आउटपुट भी दिख रहा है। जबकि अवध विश्वविद्यालय में कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित जी के कार्यभार संभालने के उपरांत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को एक नए नाम की संज्ञा दी गई, जिसे आज हम सभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान का एक ही लक्ष्य है देश विदेश में इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार, कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं यांत्रिक क्षेत्र में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का नाम रोशन करना। अब तक हमने जाना IIT के बारे में, अब हम आपको बताएंगे यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में। इससे पहले जानेंगे यहाँ के बैचलर कोर्सेस, BTech में संचालित होने वाले कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पोस्ट ग्रेजुएट में संचालित होने वाले कोर्सेस MTech, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन MCA
सो ईयर 2017 में यहाँ पर अपने अवध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति ऑनरेबल प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी आए, तो उन्होंने इस संस्थान की सुविधाओं पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हुए 150 कंप्यूटर की खरीद कराई, जो कोर i5 और i7 पैरामीटर्स के बड़े ही एडवांस, हमारे को आईटी सेक्टर में रिच कर दिया। और आईटी में वाईफाई भी लाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास चालू कर दिया। माननीय कुलपति जी के आने के बाद उन्होंने इस संस्थान में सुधार की दृष्टिकोण से जो प्रस्ताव रखे उसको हम लोगों ने किया भी। उनमें से मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल विजिट स्टूडेंट्स की, एकेडमिक विजिट और वर्कशॉप्स पर बहुत ध्यान दिया। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स आईआईटीज में जा कर के वर्कशॉप करने लगे, हमारे यहाँ की फैकल्टीज भी आईआईटी कानपुर में जा कर के टीचिंग और लर्निंग की पढ़ाई करने लगे। यहाँ पर लैब, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों को काफ़ी कटिंग एज अन्य कॉलेजेस के अपेक्षाकृत यहाँ पर मिली। एमबीए तो यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ई लाइब्रेरी की सुविधा, क्योंकि एक्रेडिटेशन करने से ही आगे इंजीनियरिंग के कोर्सेस मान्य होंगे, इसलिए माननीय कुलपति जी ने यहाँ पर एक्रेडिटेशन एनबीए द्वारा कराने का निर्णय लिया है। हम लोगों को समय समय पर छोटी सेमिनार करने के लिए 100 सीटर कल्पना चावला सभागार हमको मैकेनिकल भवन में बनवा करके उपलब्ध कराया गया है, ताकि इंजीनियरिंग की शिक्षा को हम लोग सुचारू रूप से कर सकें। हमारे यहाँ के छात्र ज़्यादातर सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, जिसके कारण से NTPC, BHEL, HAL, ISRO, BARC में प्लेस्ड हैं। इसके अलावा वो TCS, इन्फोसिस, HCL में भी हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय। आईआईटी में टेक्यूब 3 अनुदान परियोजना के तहत AIT एवं विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक अनुबंध। टेक्यूब योजना के तहत कंप्यूटर लैब में 250 अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रदान करना। आईआईटी टेक्यूब के तहत MHRD एवं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा गुणवत्ता सुधार के लिए ऑनलाइन सर्वे। परिसर में निगरानी के लिए 250 CCTV कैमरा लगाया जाना। IIT मनकापुर, कोका कोला लखनऊ में छात्र छात्राओं का इंडस्ट्रियल विजिट। अत्याधुनिक संसाधनों के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित करना। स्टडी के लिए ई लाइब्रेरी के साथ साथ बैठ के पढ़ाई करने की सुविधा होना। IIT में पहली बार VLSI के कार्यशाला का आयोजन। IIT संस्थान में बैंगलोर के डॉक्टर AIT के शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान किया जाना। IIT कैंपस को सौर ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करना, जिससे कि विद्युत आपूर्ति में कोई कमी ना आए। पर्यावरण दिवस के मौके पर ग्रीन कैंपस के लिए 10,000 पौधों का वृक्षारोपण। हमारा कैंपस ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस और नो स्मोकिंग कैंपस। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज में एलुमनाई मीट के लिए कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित को धन्यवाद। यह बड़ी खुशी की बात है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 43 वर्ष बाद विश्वविद्यालय में एलुमनाई का गठन हुआ और इंजीनियरिंग कॉलेज में 19 साल के बाद। हम इसके सफलता के लिए आशान्वित हैं और उम्मीद भी करते हैं कि यह आयोजन बहुत भव्य होगा। ये एक बहुत अच्छी पहल है जो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों के लिए स्थापित की गई है। मेरा अपना मानना है कि ऐसा विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग को करना चाहिए, और इससे न सिर्फ हम ग्लोबल फ्रेम में जाते हैं, बल्कि एक ऐसी पहचान हम अपनी स्थापित करते हैं, जिससे कि विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ साथ समाज को भी एक तरीके से प्रेरणा प्राप्त होती है। एक विश्वविद्यालय के लिए इससे गौरव की बात नहीं हो सकती कि उसके पुराने छात्र अपने नए छात्रों के साथ हाथ थाम कर उन्हें उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें जिस दिशा पर चलकर
उन्होंने अपने जीवन में सफलताएं अर्जित की हैं। मैं सदा मानता हूं कि विश्वविद्यालय में रहने वाले छात्र जब अपनी शिक्षा पूरी करके जाते हैं तो वे उन तीनों चरणों का संपादन कर रहे होते हैं जिसने मैं लर्न, अर्न और रिटर्न के नाम से जानता हूं। यहां से शिक्षा प्राप्त की, अपनी जीवन यापन का इंतज़ाम किया और आज वक्त है कि वे अपने अनुभवों के आधार पर अपनी क्षमता के अनुसार नए छात्रों का हाथ थामकर उन्हें भी उस दिशा में जाने के लिए उद्यत कर सकें, प्रेरित कर सकें, उन्हें निर्देशित कर सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें, जिससे कि वे भी आगे आने वाले जीवन में समय में अपने लिए ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के लिए भी अपना नाम आगे बढ़ा सकें, विश्वविद्यालय का नाम आगे बढ़ा सकें और सब मिलकर समाज में अपने विश्वविद्यालय की एक ऐसी छवि प्रस्तुत करें जिससे कि विश्वविद्यालय का गौरव और अधिक बढ़े, उसकी कीर्ति पताका और ऊंचे तक लहराए। मेरी शुभकामनाएं हैं IIT की एलुमनाई एसोसिएशन के लिए।